पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दता जानता संगमे में मही संग में मही कितनी उत्तम प्रार्थना है कि हम अकेले कल्याण को प्राप्त न करें हम अकेले जीवन में ऊर्धारोहण न करें बल्कि सब मिलकर के अपने मित्र अपने साथी अपने सतीर्थ सतीर्थ किसको कहते हैं समानम तीर्थम ये शाम समान है तीर्थ जिनका तीर्थ कौन है तीर्थ कहा गुरु को समान है तीर्थ जिनका तीर्थ का मतलब तारयती इति तीर्थ जो भवसागर से पार करा दे भव सिंधु को जो पार करा दे वही तो तीर्थ है ना तीर्थ हैं? हाँ शरीर को भी कहते हैं बिल्कुल ठीक है लेकिन यहाँ पर जो है ना, सतीर्थ जब हम कहते हैं कि इसके भी तीर्थ वो हैं, इसके भी तीर्थ हैं, इसके भी तीर्थ अर्थात इनके भी गुरु वही इनके भी गुरु वो हम सब ने एक ही गुरु से विद्या ग्रहण की है एक ही गुरु से हमने शिक्षा पाई है ऐसा जिनका परस्पर का भाव होता है वो क्या हो गए परस्पर सतीर्थ हो गए तो संगमे मही हम समान रूप से साथ संगठित हो करके मिल के एक मना हो करके गमे मही आगे जाएं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले चरई व्य चलते रहो चलते रहो तो एक दिन अपना लक्ष्य प्राप्त हो ही जाता है आइए इसी भावना के साथ अब ये सूक्त का मंत्र पढ़ते हैं ओम अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन मम यो समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनाश्वाताम दर्षणपस्पृशा कितनी उत्तम प्रार्थना है ऋग्वेद के मंत्रों में स्थान स्थान पर देवताओं से खूब प्रार्थनाएं की गई है तीन ही तो विषय होते हैं मुख्य रूप से ईश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना इसलिए हम जो प्रतिदिन आठ मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनको स्तुति प्रार्थना और उपासना आठ मंत्रों में से कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनमें केवल परमात्मा की स्तुति की गई है तू ऐसा है तू ऐसा है तू ऐसा है तू ऐसा है है ना आत्मदा बलदा तू तो आत्मा का देने वाला है बल का देने वाला है तुम्हारी ये अनंत महिमा है सारे देवता तुम्हारे आदेश का पालन करते हैं तुम्हारी ही व्यवस्था में सारा ये ब्रह्मांड टिका हुआ है फिर खूब जब स्तुति कर ली देखिए वैसे भी संसार में किसी से कुछ पाना हो किसी से कुछ मांगना हो तो एकदम जाकर के आप कह दो कि जो मुझे दे दो तो कदाचित तो वो नहीं देगा लेकिन आप गए अपने प्रणाम किया फिर थोड़ी देर तक उसकी स्तुति की कि आप तो बड़े दयालु हैं आप तो बड़े जानवान हैं आप बड़े महान हैं आपने उनकी स्तुति करके उनको प्रसन्न कर दिया और फिर धीरे से प्रार्थना अब मैं आपके द्वार पर याचक बन करके आया हूं भगवान मुझे ये वेद पढ़ा दो मुझे ये विद्या दे दो मेरा ये कल्याण कर दो तो वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आप पर कृपा करेंगे और फिर उपासना स्तुति की स्तुति से वो प्रसन्न हो गए हमने प्रार्थनाएं की प्रार्थना हमारी स्वीकार हो गई प्रार्थना पूर्ण हो गई तो फिर मन करता है कि बस अब यहीं बैठे रहें यहां से दूर इधर उधर न जाए यही तो साधना का क्रम है संध्या में क्या होता है संध्या प्रारंभ करते हैं गायत्री मंत्र से और करते 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 जब संध्या बिल्कुल क्लाइमेक्स पर पहुंच जाती है पूर्णता की ओर पहुंच जाती है तब फिर आप ईश्वर से क्या कहते हैं हे ईश्वर दया निधे कृपया जपो उपासना आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य भवे न तो ये सिद्धि हमने प्रारंभ में नहीं मांगी समझा में बैठते ही परमात्मा से ये नहीं कहा कि प्रभो धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध कर दो पहले परिक्रमा मनसा परिक्रमा और ये सब करते 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 जब हमारा हृदय भक्ति से ओतप्रोत तो हो गया प्लावित तो हो गया और हमें लगा कि अब परमात्मा भी हम पर कृपालु हो गए हैं हमने परमात्मा को मना लिया है प्रसन्न कर लिया है तब फिर कहा कि अच्छा भगवान मैं तो इसलिए संध्या में बैठा हूँ आपकी उपासना में कि बस ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सिद्ध हो जाओ और वहा क्या कहा सद्य अभी इसी समय अब जन्म जन्मांतरों का झगड़ा खत्म करो प्रभु पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम ये क्रम अब नहीं चलना चाहिए बस अब इसी जीवन में सद्या का मतलब अतिशीघ्र तत्काल इसी जीवन में क्षिप्रमेव नाति चिरम है ना मेरे ये धर्म अर्थ का मोक्ष सफल हो जाए और उसमें उपाय भी बता दिया देखिए ऋषियों की भाषा है ना कि तीन काम करने पड़ेंगे मुखदोई जप उपासनादि कर्मणा जब करूं आपका आपकी उपासना करूं तो मुझे विश्वास है कि मुझे ये प्राप्त हो जाएगा तो ऐसे ही देखे यहां अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन देखिए मूर्धन शब्द जो है यह भी वैदिक प्रयोग है मूर्धनी सप्तमी का एक वचन है तो सप्तमी की जो विभक्ति है उसका वेद में लोप हो जाता है कौन सा प्रत्यय होता है सप्तमी का गी, तो गी का लोप हो जाता है तो मूर्धन लेकिन अर्थ करेंगे मूर्धनी अस्य मूर्धनी अश्य अश्य संसार, संसार के मूर्धा पर अर्थात इसके सर्वोत्तम स्वरूप में अस्य पितरम अहम सुवे इसका संसार का सृष्टि का दुनिया का जो पिता है पालयता है इसका रक्षक है उसको मैं ही उत्पन्न करती हूँ अहम सुवे उत्तम पुरुष का एक वचन है मम योनि रफसु अंत समुद्र कहते हैं समुद्र समुद्र शब्द का निर्वचन बहुत बड़ा दिया है कभी आप निरुक्त पढ़ा आप में से नहीं यास्क ने जो समुद्र शब्द का बहुत सारे शब्दों के निर्वचन किए हैं आचार्य शब्द का भी निर्वचन आपने किसी से सुना जरूर होगा आचार्य किसे कहते हैं आ आचिनोति अर्थान आचिनोति चिन्हौती बुद्धिम इति हैं आचार्य उसको कहते हैं जो सबसे पहले अपने प्रिय शिष्य को सदाचार की शिक्षा देता है उसके जीवन में उसके व्यवहार में सदाचरण को कूट कूट करके भर देता है तो आचार्य का पहला लक्षण तो ये आचिनोति अर्थान अर्थात शब्दों के अर्थों को उसके मस्तिष्क में स्थापित कर देता है कैसे शब्दों के अर्थ किए जाते हैं इस विधा को इस प्रक्रिया को वो भली भांति अपने ब्रह्मचारी के मस्तिष्क में स्थापित कर देता है उसके बाद फिर जो मंत्र आएगा वो अपने आप अर्थ करता चला जाएगा बस एक बार उसको रास्ता दिखा दिया कि शब्दों की मंत्रों की श्लोकों की किसी विषय की व्याख्या कैसे की जाती है वो आचार्य और फिर आ चुनौती बुद्धिमितिवा उसकी बुद्धि को ऐसा परिष्कृत कर देता है उसकी बुद्धि के दरवाजे इस तरह से खोल देता है कि फिर वो अपने आप जीवन में जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है तदनुसार जो निर्णय लेना हो जो कार्य करना हो जो अर्थ करना हो वो कर गुरु कोई 24 घंटे तो साथ नहीं रहता ना आचार्य थोड़े दिनों बाद आप आचार्य बन जाएंगे तो जो आपके आचार्य ने आपको दिया है उसको आपने और बढ़ा दिया और बढ़ा करके फिर अपने शिष्यों को दिया वो आपके शिष्य फिर आचार्य बनेंगे वो उसको खूब बढ़ाएंगे और बढ़ाते बढ़ाते ये क्रम ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो यहाँ अश्य मूर्धन इस संसार के मूर्धा पर अस्य पितरम इस सृष्टि का जो पिता है पालयिता है रक्षक है उसको मैं ही सुबह उत्पन्न करती हूं मम योनि समुद्रे अपसु अंत समुद्र की जो जल की गहराई है समुद्र में जल की जो गहराई अब कहते हैं जल को अब सुत जलों के अंदर मम योनि मेरा कारण है अर्थात सागर की गहरी से गहरी जगह समुद्र का जो गहरे से गहरा स्थान है वहां पर भी यदि आप जाकर के देखोगे खोज करोगे तो वहां पर भी मैं ही हूं अर्थात उस गहराई को नापने वाला उस गहराई को बनाने वाला उसकी रक्षा करने वाला कोई और नहीं बल्कि परमात्मा ही है इसने विशाल सागर को बनाने वाला कौन है एक बार ऐसे ही कहीं वाद विवाद हो गया तो किसी ने बहुत समझदार व्यक्ति था कहा भाई सब प्रश्नों का उत्तर लोग दे सकते हैं लेकिन दो प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता दो प्रश्न कौन से थे कि एक तो ये जो खुदा है परमात्मा है उसकी खुदाई के विषय में कोई नहीं बता सकता परमात्मा खुदा की खुदाई क्या है और दूसरा इस पृथ्वी का धरती का जो मध्य है वो कोई नहीं बता सकता तो सबने कहा भाई खुदा की खुदाई बताना किसी के बस की बात नहीं है इसी तरह से धरती का जो मध्य भाग है वो भी कोई नहीं बता सकता एक किसान था वो सुन रहा था ये सब बातें पंडितों की विद्वानों की आप जैसे तो बोला भाई मैं जानू दोनों चीजें मुझे आती हैं तो बोले अरे बड़े बड़े शास्त्रों के विद्वान कह रहे हैं कि हमें नहीं पता हम नहीं बता सकते तू अनपढ़ आदमी कैसे बता देगा बोले चलो मेरे साथ मैं बताता हूं अब ले गया वो उनको थोड़ी दूर जाकर के एक नदी थी तो बोले ये रही खुदाई खुदा की बोले ये कैसे तो बोले तुम्हारे बाप ने खोदी है उस खुदा की तो खोदी हुई है तो ये तो खुदा की खुदाई हो गई और दूसरा प्रश्न था कि इस धरती का मध्य भाग कौन सा है ये नहीं बता सकते तो चलते चलते उसके हाथ में एक लठ था वो वहां पर गाड़ दिया बोले ये रहे धरती का बीज बोले कैसे बोले नाप लो कोई पैमाना लेकर के नाप लो तो कभी कभी बड़े बड़े जो जटिल प्रश्न हैं उन जटिल प्रश्नों के उत्तर इतने सहज इतने सरल हो जाते हैं तो यहाँ कहते हैं कि समुद्र के जलों के भीतर जो कुछ भी गहराई है उसको नापने वाला उसको जानने वाला उसको बनाने वाला भी मैं ही हूं तथोविष्ठे विश्वा अब देखिये विश्वा ये विश्वा भी वैदिक प्रयोग है लौकिक संस्कृत में क्या बनेगा विश्व बनेगा या विश्वानी बनेगा विश्वानी कैसे बनता है आप में से कोई सिद्ध करेगा रोज मंत्र बोलते हो विश्वानी देव सवितर दुरीतानी पर नहीं विश्व शब्द से विश्वानी बना दो बस है हाँ 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 ठीक है आपने तो कहा था ना जस हाँ तो जस को पहले शी करो ना हाँ जस के स्थान पर शश के स्थान पर शी आदेश होता है और होगा? नपुंसक से झलचा होगा या शे मुचादी नाम से होगा हाँ, नहीं है ठीक है नपुंसकस से झलचा से नुम का आगम हो गया और जसो सी से शी हो गया शी का ई रहा और उसको दीर्घ कर दिया किसे सर्वनाम स्थान असमुद्ध ठीक है तो ये बनता है विश्वानी पाननीय व्याकरण के अनुसार विश्वानी बनेगा लेकिन आपने देखा होगा वेद में विश्वा तो ये विश्वा भी विश्वाणी के अर्थ में ही है ये वैदिक छांदस प्रयोग होने के कारण से जस का या श का लोप हो गया है ना और विश्वा तो अहम विश्वा विश्वा अर्थात सारा संपूर्ण जो भूमंडल है तो अर्थ करते समय विश्वानी भुवना हो जाएगा सारे जितने भुवन हैं लोक लोकांतर हैं उसमें वितिष्ठे वितिष्ठे अहम विविध रूपेण स्थितो भवामी तिष्ठे में वहां स्थित होता हूं तिष्ठामि वी तिष्ठे वी का मतलब विविध रूप में परमात्मा कोई एक रूप में है पता नहीं कितने रूपों में है ये सारे के सारे रूप आप भी उसी परमात्मा के ही तो रूप हैं ये सारी सृष्टि उसी का स्वरूप है तो इस सारे भुवन में सारे संसार में मैं विविध रूपों में नाना रूपों में स्थित रहता हूं और उत अमुम द्याम वर्षमणा उपस्पामी और कहते हैं अमूम उस दूलोक को अंतरिक्ष लोक को दूलोक का मतलब हुआ जो ऊंचे से ऊंचे स्थान है जो प्रकाशमान देदीप्यमान द्युतिमान तेजस्वी सारे सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि से परिपूर्ण जो ये आकाश गंगा है इस सब को वर्ष वर्षम वर्ष का अर्थ होता है बल अपने बल से अपने शक्ति से अपने सामर्थ्य से उपस्पामी उन सबको मैं स्पर्श करता हूँ अर्थात उन सबको मैं धारण करता हूँ लोक से लेकर के द्वलोक तक अंतरिक्ष में सर्वत्र यत्र तत्र जहाँ जो कुछ भी है उस सबको मैं अपने बल से ही स्थिर रखता हूँ उसका मैं नियंत्रण करता हूँ ठीक है और अब देखिए इस सूक्त का जो अंतिम मंत्र है ओ अहमे वात इव प्रवामी आरभमाणा भुवनाश्वा पर दिवा पर एवती महिलात अहम प्रवामी कते वायु के समान जैसे वायु तिनात गतिशील वायु कभी रुकता नहीं कभी एक जगह स्थिर नहीं होता पूरे ब्रह्मांड में निरंतर सदा सर्वदा गतिशील रहता है तो वा तो प्रवामी मैं वायु की तरह से सर्वत्र गतिशील रहता हूँ प्रवाहित होता रहता हूँ कैसे आरभ माना विश्वा भुवनानी देखिए यहाँ पर भी विश्वा का प्रयोग कर दिया अर्थ करते समय विश्वानी भुवनानि, निखिलानी भुवना सारे भुवनों में जितने लोक लोकांतर हैं कितने लोक लोकांतरों की कल्पना की गई है सात कौन कौन से हम जो बोलते हैं ना भूर भुआ स्व महा जना तपा और सत्यम तो ये जो सप्त लोक हैं और दूसरी तरफ सात नीचे हैं कौन से हैं अतल वितल सुतल रसातल महातल ये साथ नीचे हैं और साथ ऊपर को हैं तो ये सारे के सारे जितने भी लोक लोकांतर हैं उन सब को आरभ माना अर्थात इन सबको सारे भुवनों को आरभ माना इनको प्रारंभ करके और इनकी रक्षा के लिए वायु के समान में निरंतर सर्वत्र गतिशील रहती हूँ सर्वत्र व्यापक रहती हूँ कोई स्थान ऐसा नहीं है जो मुझसे रहित तो हो जहां मेरा ठिकाना ना हो जहां मेरी वस्ती ना हो जहां मेरा निवास ना हो जहां मेरा अस्तित्व ना हो ऐसा कोई संसार में स्थान नहीं फिर कहते हैं क्या इतना ही है परो दिवा पर एना पृथ्व्या अब जैसे आपने पुरुष सूक्त पढ़ा होगा पढ़ा है पुरुष सूक्त पुरुष सूक्त तो जरूर पढ़ना चाहिए तो उसमें पुरुष का इतना है ये है ये है ये है इतना इसका वर्णन करते 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 लेकिन फिर अंत में कहते हैं कि इसका जो चतुर्थ पाद है चौथा पैर जो है वो इससे भी परे है अर्थात वो इतना ही नहीं है प्रारंभ हुआ सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सूमिम विश्व तो वित्त अत्यतिष्ठ सारे विश्व में सारे ब्रह्मांड व्यापक होकर के भी दश अंगुल परिमाण इस ब्रह्मांड से परे है इससे भी आगे है उसको हम नाप नहीं सकते उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हमारी वाणी उसका प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं है तो इसी प्रकार से यह कहा कि परो दिवा ये जो दिवलोक दिखाई देता है इससे भी परे परो एना पृथिव्या और ये जो पृथ्वी पृथ्वी क्यों कहते हैं इसको प्रथनाथ पृथ्वी बहुत सुंदर प्रथनाथ पृथ्वी विस्तार ये विस्तृत है फैली हुई है फैली हुई है इसलिए इसका नाम ही रख दिया पृथ्वी तो एना पृथिव्या पर अर्थात इस द्व्यूलोक से भी परे और इस पृथ्वीलोक से परे एक महिना संभव हुआ और महिना अपनी महिमा से जैसे आपने एक वाक्य सुना होगा अब शेर है शेर को जंगल का राजा किसने बनाया हुँ? चुनाव हुआ क्या वोट तो नहीं पड़े निर्वाचन नहीं हुआ कि निर्वाचन में जीत गए शेर और वो जंगल के राजा बन गए ऐसा तो नहीं है ना तो एक वाक्य आपने सुना होगा इस बात को बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है क्या कहते हैं स्वयं मृगेंद्रता हाँ वो स्वयं ही मृगेंद्र है वो वन्य पशुओं का राजा स्वयं अपनी शक्ति से अपने बल से अपने सामर्थ्य से अपने पराक्रम से अपनी वीरता से वो स्वयं वन का राजा है किसी ने उसका तिलक नहीं किया किसी ने उसको वोट देकर के जिताया नहीं है किसी की दया पर वो वन का राजा नहीं बनाए इधर उधर से जोड़ तोड़ करके बल्कि स्वयं मृगेंद्रता स्वयं अपने बल से उसके अंदर मृगेंद्रता मृग का अर्थ क्या होता है मृगेंद्र का क्या हुआ हैं? शियारों का राजा पशुओं का राजा तो मृग का अर्थ पशु होता है क्या हाँ जो मैंने उस दिन बात बताई थी ना आपको यहाँ पर भी भाषा विज्ञान का वो काम करता है कि कहीं पर आ, अर्थ का विस्तार होता है और कहीं अर्थ का संकोच होता है प्राचीन काल में पुराकाल में मृग शब्द जो है पशुवाचक था जो भी जंगल का जानवर है जंगल का पशु है सब मृग कहे जाते थे लेकिन धीरे 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 ये केवल एक हिरण के लिए रूढ़ हो गया आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब रूढ़ हो गया अब मृग का अर्थ वन्य पशु नहीं है अब मृग का अर्थ केवल हिरण रह गया है, अर्थ सिकुड़ गया है तो दिद्रान दिद्रान हाँ, हाँ तो एतावती महीना संभव हुआ और अपनी महिमा से अपने सामर्थ्य से एतावती संभव हुआ मैं इतनी हूँ ये इसका कहने का अभिप्राय ये है कि किसी ने उस पर दया नहीं की ये परमात्मा पर कि उसको कह दिया कि महाराज हम आपकी पूजा क्या करेंगे और हमारी मेहरबानी आपके ऊपर है हमने आपको मंदिर में स्थापित कर दिया नहीं हमने पत्थर से उसको भगवान नहीं बनाया है वो तो स्वयं अपनी महिमा से सारी सृष्टि का सारे ब्रह्मांड का नियामक है तो इस प्रकार से इन मंत्रों में उस शक्ति का ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी का या संसार में यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी जो ज्ञान का अमृत है विद्या है वाग वैभव है वाणी का सामर्थ्य है क्योंकि वाणी ही व्यक्ति को संसार में कीर्ति प्रदान कराती है वाणी से ही व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्तियों के हृदयों में अपना स्थान बना लेता है तो उस वाणी का महत्व और वो मानो परमात्मा के द्वारा इसको नाना रूपों में हमने अपने संसार में प्रतिष्ठित किया कहीं उसको सरस्वती का रूप दे दिया जानकी अधिष्ठात्री देवी के रूप में उसको हमने माना उसकी पूजा अर्चना उसके नाम से देश में सरस्वती शिशु मंदिर सरस्वती विद्या मंदिर सरस्वती के नाम से बहुत सारे विद्यालयों की स्थापना की गुरुकुल महाविद्यालय विश्वविद्यालय ऋषिकुल ये सारे के सारे उसी ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के मंदिर हैं उसके देवालय हैं उसकी उपासना के स्थान हैं इसलिए जीवन का जो सबसे मूल्यवान हमारा हिस्सा होता है जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा कौन सा है ब्रह्मचर्य काल तो सारा का सारा ब्रह्मचर्य काल सारा विद्यार्थी जीवन हम उसी को समर्पित करते हैं आप ठीक है सब कुछ करते हैं आसन व्यायाम प्राणायाम संध्या ये लेकिन आपका प्रमुख कार्य क्या है विद्या प्राप्त करना शास्त्रों का अध्ययन करना वेद पढ़ना दर्शन पढ़ना तो इस प्रकार से ये बताया कि विद्या का हमारे जीवन में क्या महत्व है ठीक वही मंत्र बोले ओम स्वस्ति पंथा मनु सूर्या चंद्र मसा जानता संगमे मही